एक तो वो होंगे ना जो उनको देखते ही पहचान जाएंगे, इनकार कर देंगे, और दूसरे बाकी रह जाएंगे दो, उनमें से एक तो वो है जो उनके साथ लड़ाई में शहीद हो जाएंगे, क्योंकि लड़ाई भी, हालांकि उनको अल्लाह फतह अता फरमाएंगे, लेकिन लड़ाई बड़ी शदीद होगी, किलिंग बहुत ज्यादा होगी। नहीं, हाँ, अच्छा, गाजियों को ये फिर अल्लाह अच्छे दिन भी तो दिखाएंगे ना, गाजियों की ये भी एक खूबसूरत, तो जो उनकी शहादत है वो बेहतरीन शहीद होंगे, और फिर जो एक वो गिरोह होगा, और मुझे लगता है वो गिरोह छोटा सा होगा, याद करें वो जो हमने पढ़ा था उसमें, जब वो जो तालूत लेके निकले थे लश्कर को, और पता है कितने थोड़े से बंदे रह गए थे, ये वो लोग होंगे जिनके अल्लाह ने अगले पिछले गुनाह माफ कर देंगे, इनकी जित अजब अल्लाह कोई नहीं होगा, और इनको अल्लाह अपनी नेमत भी दिखाएंगे, इनको अल्लाह फतेह मुबीन और वो चीज दिखाएंगे। इतने थोड़े 1.7 बिलियन मुसलमानों में से 313 अल्लाह नहीं, देर हैज टू बी मोर प्लीज इंशाल्लाह। अच्छा चलिए जी, अच्छा जी, सबसे पहली बात ये है, कोविड के दिनों में हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे, अल्लाह ने हम खुशकिस्मतों को ये दिन दिखाए हैं, जिनको तो अल्लाह ने आगे भी दिखाना है उनको अल्लाह ताला इसी तरह हमारे साथ रखे, और जिनका दोबारा मिलन नहीं है अल्लाह उनको अपनी रहमत में जगा दे। तो सबसे पहले मैं इसके लिए शुक्रिया बहुत ज्यादा अदा करती हूँ कोका पापा का, यू वर दी वन हु इनिशिएटेड, क्योंकि मैं तो करा ही नहीं रही थी, मैं तो अपनी ऑनलाइन करा रही थी, तो ये तो मुझे कोका पापा ने कहा, और सेकेंड नंबर पर अल्लाह ने चुन लिया, और सेकेंड नंबर पे मैं रबी का शुक्रिया अदा करती हूँ, मैंने कहा रबी मैं नहीं करा सकती ना, तो रबी ने कहा अम्मी नहीं ना आप उधर करा लीजिएगा ना, मैं आपका ऑनलाइन भी कर दूंगी, आपका वो ऑनलाइन वहां पे बैठ के करा लीजिएगा। तो इसने मुझे गालियां बहुत खाई हैं, लेकिन स्टिल शी सर्व्ड माशाल्लाह, लेकिन ये है कि, और नारीन आपका भी बेहद शुक्रिया, खासतौर पर जो मस्जिद के लिए आपने मुझे करके दिया वो मेरे से बिल्कुल नहीं होना था, अल्हम्दुलिल्लाह। और आपको पता नहीं है हमारी इस जो ग्रुप में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, मैं डॉक्टर सना का शुक्रिया अदा करती हूँ, बहुत मेरी प्यारी बेटी है, और वो जो हमें हर रोज जो पोस्ट मिला करती हैं वो डॉक्टर सना भेजती हैं, इसी तरह इस ग्रुप की एडमिन भी वो है, कभी आपसे मिलाऊंगी, उसके लिए दुआ कीजिए, अल्लाह उसकी आंखें ठंडी करे, दीन और दुनिया की उसको कामयाबियां अदा करे, जो जज्बा माशाल्लाह उस बच्ची में है, मैं तो ये सब कुछ उसकी वजह से काबिल हूँ, एक मैं सिर्फ उसको रात को कहती हूँ, मैंने इसको रात को कहा, मैंने कहा सना कोई बंदा नहीं मिल रहा फीडबैक फॉर्म बनाना है, तो कह रही अच्छा मुझे तो नहीं आता, मैंने कहा बेटा इमरजेंसी है, उसने सुबह सुबह बना के भेज दिया, तो अल्लाह ताला उसको जजाए खैर दे, और बहुत मेहनत करती है, और जो लोगों के साथ निपटना बहुत मुश्किल है। फिर डॉक्टर कोमल को, हमारी वो बेटी यहाँ पे आई थी, आजकल उम्रे पे गई हुई है कोमल, और जनाब वो उम्रे के लिए कुछ तो खुद क्विज बना के भेज रही है, और अगर नहीं बना सकती सहेलियों को लगा के बना के भेजती है, अल्लाह ताला इन बच्चियों को जजाए खैर दे, मेरी रबी को अल्लाह जजाए खैर दे, अरफा एक हमारी बेटी है वो जो हम पोस्ट भेजते हैं, अरफा उसके अंदर जो है ना वो करती है, एक उम्मे अब्दुल्ला है हमारी इकबाल टाउन ब्रांच की है, वो तहारत के मसाइल वाली पोस्ट वो भेजती है, और सना बेचारी इन सबसे इकट्ठे करके वक्त के ऊपर ग्रुप में डालती है, अल्लाह उसको जजा दे, और मुझे कई लोगों ने बताया कि वो लोग वहां से लेके और ग्रुप्स में भेज देते हैं, तो अल्लाह ने इस फैस को जो है ना वो जारी किया है। मेरे रिक्शे वाले, मैं कहती हूँ अल्लाह ताला उनको जजाए खैर दे, क्योंकि हम उनको बड़ा इंतजार कराते हैं, और फिर ये है कि इसी तरह तैयबापा अल्लाह ताला आपको ज्यादा दे, तैयबापा हम सबके लिए लेके आई हैं, डॉक्टर साहब की किताबें हैं, ठीक है, इंशाल्लाह वो, इसी तरह आप लोग जो क्विज करते रहे हैं, आप में से हमने 3 हाई अचीवर्स जो है वो निकाले, रवि वेयर आर यू कम हियर, तो वो उनको इंशाल्लाह कल जो है ना प्राइज भी मिलेगा हमारे वो हॉल में, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ये प्राइज दुनिया की सिर्फ रिकॉग्निशन के लिए है और एक दूसरे के लिए है, अच्छा लगता है, मोटिवेशन है और बहुत अच्छा लगता है, और ये है कि उन लोगों ने माशाल्लाह इतनी तवज्जो से किया, और एक एक बात पे आके मुझसे पूछ रहे होते थे, देखिए मैंने ये सवाल का जवाब भी दिया तो ये कैसे सही नहीं है, जबकि उन्होंने इसको गलत किया, तो बहुत अच्छा लगता था, और यही जस्तजू जो है ना इंसान को आगे ले जाती है, अल्लाह आपको ज्यादा दे। इसके साथ एक और चीज थी, वो क्या थी, फिलहाल हाँ जी, आपका जो है उसका क्या नाम है, फीडबैक फॉर्म एक आपको हमने दिया है, उसकी वजह ये अल्लाह ने इतना प्यारा वक्त गुजारा, बिलीव कीजिए रात को मुझे बड़ी परेशानी हो रही थी, मैंने कहा परसों से नहीं जाना, और ये हम सबको महसूस हो रहा है, तो उस फीडबैक फॉर्म में एक तो ये बताइएगा, हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो ये थे कि हमने देखना था कि इस कुरान से हमने जिंदा रहना कैसे सीखना है, बहुत सारे जो लोग हैं उन्होंने 40 साल की जिंदगी के बाद के लिए जो है ना ट्रेनिंग कोर्सेज सेट किए हैं, उसकी वजह 40 साल तक के तो हमारे माँ बाप भी कर देते हैं, पढ़ना लिखना नौकरी करनी है, बेटियों को भी तैयार कर देते हैं, इतना आना चाहिए ससुराल में गुजारा करना है, 40 साल से बाद वाली किताब हमारे पास कोई नहीं है, कोई कोर्स नहीं है, कोई नहीं बताता अब काम खत्म हो गया तो अब क्या करना है,
और इसके ऊपर बहुत ज्यादा काम है, क्योंकि उसकी ये अल्लाह माफ करे अल्लाह माफ करे ये वक्त बिस्तर पे लेट के गुजारना है, ये लोगों की ये जान के लिए अजाब बन के गुजारना है, और सबसे बढ़ के वही मैं कहती कहते हैं 40 से लेके 60 साल 20 साल पूरे 20 साल कहते हैं कि जिंदगी का बेहतरीन अरसा होता है जिसमें सेहत, जिसमें माल, जिसमें रिसोर्सेज, जिसमें मैनेजमेंट स्किल्स, हर चीज ज्यादा होती है। तो मैं जब ये करार थी मैंने तो ये करवाया अपने लिए था, और ये है कि हमने ये देखना है, मैंने आपसे ये सवाल पूछा है कि क्या हमें वाकई समझ आई कि हमने ये वक्त को कैसे गुजारना है, और दूसरे नंबर पे ये कि अगर आइंदा हम इन कामों को जारी रखना चाहिए, कोई भी इस प्यारी सी महफिल को छोड़ना नहीं चाहता लेकिन इंसानों की मजबूरियों के साथ, तो हम एक तो कैसे जारी रखेंगे, एक तो मैंने आपको उनका मैविश के बारे में बताया था जो कतर से हैं, वो ये चाह रही हैं कि हम इसका ना शुरू कर लें, 10-15 मिनट का ही रखें लेकिन हम लोग हर रोज कर लिया करें। चलिए वो हर रोज करने को भी अल्लाह ताला तौफीक दे देगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह रबी की फिर सर्विसेज लेंगे क्योंकि वो भी ऑनलाइन होगा, और मेरे लिए जो है ना आना मुश्किल है क्योंकि मैं खुद जॉब करती हूँ और इस तरह से, तो फिर ये है कि वो करने की कोशिश करते हैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह, लेकिन उसमें हमें क्या करना चाहिए उसके लिए हमने आपसे क्वेश्चंस पूछे हैं, ठीक है। तो आप हमें वो फीडबैक फॉर्म प्लीज 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 जरूर फिल कीजिएगा, जिनको ज्यादा इंटरेस्ट या टाइम नहीं है बच्चों से फिल करा दीजिएगा, लेकिन प्लीज कीजिए क्योंकि वो हमारे लिए है नेक्स्ट टाइम के लिए। और कल इंशाल्लाह आप सबसे मुलाकात होगी अपना यही सेंटर में, ठीक है, और ये जो है शेख जायद इस्लामिक सेंटर में, वहां पर हम अपना आखिरी रुबा पढ़ेंगे सब लोगों के साथ। इस मरतबा इस्लामिक इंस्टीट्यूट ने अराउंड 35 लाहौर में मुख्तलिफ मकामात पर दौरा कुरान कराया है, और उसमें माशाल्लाह हमारा ये भी है जिसमें पाकिस्तान से बाहर लोगों ने भी सुना है। और अभी मैं आपको बताऊं अभी फेसबुक पे मौजूद है, इंशाल्लाह आप देखिएगा इसको, अभी और लोग सुनेंगे, बहुत सारे लोग इस इंतजार में है। आसिफ जी वो मेरी जॉब का मसला है, मैंने सुनना है इसको, ये वहां पे है ना, हर वक्त मुझे लोग वो कर रहे होते हैं। अल्लाह ताला आप सबको ज्यादा दे, आप लोगों के जो सदकात है मस्जिद के मामले में उसके बारे में छोटी सी मैं आपको बात बताऊं कि मैंने अपने हस्बैंड से कहा, मैंने कहा आप इसका इफ्तिताह कराइए अल्लाह का नाम लेके, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास कुछ हो भी गया इकट्ठा, और अल्लाह की तौफीक से 27 को वो इसका इफ्तिताह करा रहे हैं। आप देखिएगा रब ने ये काम कैसे कराना है, मैं इंशाल्लाह आपको अपडेट करती रहूंगी। अल्लाह ताला बस हम सबको इस अजर में शामिल कर दे जी। थैंक यू अनिलाबा, पोजीशन होल्डर्स उनके तो नाम बताने हैं, प्राइस आपको कल मिलेगा लेकिन वो हाई अचीवर्स के नाम मैंने बताने हैं, जस्ट से आउट देयर नेम्स। फर्स्ट पोजीशन उस्मा तारिक, 66 out of 73। उस्मा तारिक बैठी है यहाँ पे, अरे माशाल्लाह। सेकंड पोजीशन तस्नीम कोसर, तस्नीम आप अल्लाह माशाल्लाह, 64 out of 73। और थर्ड पोजीशन है इकरा इजाज, इकरा आप कौन है, 63 out of 73। और रवि ग्रुप में भी भेज दो, बारकल्ला फीकुम जी। अच्छा अब मैं आपको बताऊं, वैसे तो नौरीन ने मुझे इस दिन फौरन कह दिया कि आसिया नसीहत लिखना तो बड़ा आसान है, मैं हैरान, मैंने कहा कैसे आसान है, मैं तो लिखने बैठी तो मुझे तो बहुत सारी जो फैमिली की जो पॉलिसीज थी मुझे वो भी तो लिखनी थी ना, मेरे बच्चों फलां के साथ क्या सलूक करना है फलां के साथ, ये भी तो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है ना, इसी नौरीन मैं कह के जाऊंगी ना, मैं कह के जाऊंगी। अच्छा अब नहीं, वो पैसों की जहां तक बात है ना वो तो मुझे भी आसान लगती है, मुझे समझ आती है, और नौरीन उस दिन खुद भी अपने बारे में बता रही थी, कहने लगी कि मेरे पास मैंने एक मोटा सा अंदाजा करके तो मैंने तीसरा हिस्सा मेरे जहन में है वो कौन सा है, और उसका वो कहती है मैंने बता भी दिया वह उसके लिए, उन्होंने तो माशाल्लाह ये जो हमारे इदारे चल रहे हैं उनको वो किया है, उसमें अपने कुछ मोहब्बत करने वालों के भी नाम उन्होंने डाले हैं, वो जाहिर उन्होंने इसकी तफसीर बताई, दिस इज अ मॉडल एक्चुअली, तो अब मैंने वो जरा जाके उसकी मॉडिफिकेशन करनी है, लेकिन मुझे जो परेशानी आई थी ना वो ये आई थी, वो जो बच्चों को ये बताना होता है कि फलां के साथ ये सलूक करना है, फलां जो फैमिली पॉलिसीज, मैं आपको सही बात बताऊं वो जो फैमिली पॉलिसीज होती है ना गुनाह की,
जिसमें मेरे बच्चों को शायद पता ही नहीं होगा, माँ को तो पता है कि उसमें क्या राय रखनी थी, मेरे बच्चों को शायद पता है या नहीं पता, और वो इस बात पे कहे मेरी माँ, हमारी माँ ऐसे करती होती थी तो हमने उसके मुताबिक करना, तो मैं उस गुनाह का हिस्सा नहीं हूँ। अगर किसी जगह पे ज्यादती है, किसी बंदे के साथ ज्यादती है, उससे माफी मांगनी है, उसको कैसे करना है, ये वाली जब बातें मैं सोची तो मुझे तो वसीयत लगना बहुत मुश्किल लगी थी, मैं आपको सही बताऊं। बाकी आप कुछ आप ऐड कर दीजिए। पैसे में तो आपके पास तीसरे हिस्से की है ना, इसके अलावा तो है ही नहीं ना, इसके अलावा तो है ही नहीं ना, पैसों का तो मामला जो है ना वो सिंपल एज दैट है। सुभानक अल्लाहुम्मा वबिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका वअतूबु इलैक। लाइट बंद कर दो, लाइट नहीं बंद की।